ने क्या डिस्कशन किया था वो हम एक बार सबसे पहले देख लेते हैं उसके बाद आज का डिस्कशन वहीं से कंटिन्यू करेंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इन आर कॉस्ट किस किस चीज को हम कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे और किन किन चीजों को हम कॉस्ट में एक्सक्लूड करेंगे उसकी एक पूरी लिस्ट कलम लोगों ने समझी थी और लॉजिक बड़ा सिंपल था सर कोई भी चीज कॉस्ट में इंक्लूड अरे वाह सही हो गया है ना ही साथ सही हो गया बहुत बढ़िया तो टेबल चेंज हो गई ना हाँ कल रात को ही मैंने शाम को ही बोला था उनको करने को तो प्रोबेबली उससे चेंज हुआ है पता नहीं सिस्टम चेंज किया होगा बट वेरी गुड नाउ व्हाट आर द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन द पॉइंट इज क्या क्या चीजें हम कॉस्ट में इंक्लूड करते तो कल मैंने बताया था भैया कॉस्ट में तो वो हर चीज ले लेना जो चीज प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है कनेक्टेड है चाहे वो मटेरियल हो चाहे वो लेबर हो चाहे वो बेचने के खर्चे हो चाहे वो पैकिंग हो चाहे वो पैकेजिंग हो चाहे वो डिप्रिसिए हो चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे वो सेलिंग हो चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो चाहे वो मार्केटिंग हो चाहे वो रेंट और फैक्ट्री का चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे वो पावर हो चाहे वो मेंटेनेंस हो रॉयल्टी हो कुछ भी हो रिसर्च क्यों ना हो अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर पैसा खर्च किया है तो आप कस्टमर से लोगे और उसे आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट मानोगे कल हमने बात करी थी इस बारे में बहुत सारी मैंने एल वी वाले बैग से एग्जाम्पल लिया था कि देखो बैग आप बोल रहे हो दस हजार का दस हजार का नहीं है उस स्टोर का किराया भी तो उस बैग की कॉस्ट में जोड़ो वो कहाँ जोड़ा आप लोगों ने आपने उसे बनाने की लागत जोड़ ली तो दिस इज नॉट दी ओनली कॉस्ट दैट यू हैव टू कंसिडर यू हैव टू कंसिडर ऑल अदर कॉस्ट एज वेल जो उसको बेचने में डिस्ट्रीब्यूट करने में रिसर्च करने में लगी है तो वो सारे डिस्कशन हमने कल किए थे एक और चीज हम लोगों ने कल समझी थी एंड दैट वाज एक्सक्लूजन वाला पार्ट किन किन चीजों को हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे ऑनलाइन वाले बच्चों याद आ रहा है किन किन चीजों को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है उसकी भी एक पूरी लिस्ट हम लोगों ने समझी थी और याद कीजिए मैंने बोला था क्या क्या चीजें कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी बताइए सब फटाफट क्या क्या चीजें कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी जीएसटी नहीं होगा जीएसटी क्यों नहीं होगा यार जीएसटी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीएसटी पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है और जिस चीज पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड है उसे आपको कॉस्ट का पार्ट मानने की जरूरत नहीं है पहला तो एक्सक्लूजन हमने ये पढ़ा था दूसरा एक्सक्लूजन पढ़ा था इनकम टैक्स इनकम टैक्स को हम कॉस्ट क्यों नहीं मान रहे क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंस है आपकी कमाई का आप प्रॉफिट में से दीजिए ना आप कॉस्ट को क्यों बढ़ा रहे हो ये भी क्या कस्टमर से लोगे क्या जो तुमने कमाया उसके ऊपर जो सरकार को तुमको टैक्स देना आ रहा है क्या वो भी कस्टमर देगा जी नहीं तो इनकम टैक्स इज बिकम पार्ट ऑफ कॉस्ट तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था डोनेशन डिस्काउंट्स ये सब फाइनेंशियल चार्जेस हैं इनका कॉस्ट से या प्रोडक्ट के ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं है डिविडेंड बैड डेट्स प्रोविजंस राइट ऑफ एड लॉसेस एंड अदर इनकम ये सब चीजें कॉस्ट में नहीं आती क्योंकि ये सब ऑपरेशन से रिलेटेड ही नहीं है राइट right ऑफ एक अकाउंटिंग एंट्री है एक्चुअल में कोई कॉस्ट लगी नहीं है जेब से दूसरा इसलिए नहीं आते क्योंकि आपने अगर उसको कॉस्ट मान लिया तो के पे थोड़ी हुआ है वो लॉस कॉम्प्यूटर के यहां थोड़ी आग लगी है कॉम्प्यूटर के यहां थोड़ी लेबर की स्ट्राइक हुई है कॉम्प्यूटर के यहां थोड़ी चोरी हुई है तो इसका मतलब हमारे यहाँ चीजें खराब हुई है उसके यहाँ नहीं हुई है और आपने अगर इसका बर्डन कस्टमर पे डाल दिया तो किसी और से जाके खरीद लेगा एंड दैट्स वाई लॉस को भी हम कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानते हैं तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था कि किन किन चीजों को हम कॉस्ट का पार्ट इंक्लूड नहीं करेंगे दैट्स वाज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत बढ़िया जीएसटी रिबेट वाला पॉइंट बता ही दिया ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को भी मैंने जीएसटी रिबेट वाला पॉइंट पूरा का पूरा बता दिया है कि जीएसटी रिबेट क्या होती है और जीएसटी रिबेट कैसे मिलती है वो सारी बातें भी हम लोग कल के डिस्कशन में करके आ चुके हैं बताओ सबसे पहले किसी को यहां तक तकलीफ है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जितने ही बच्चे हैं जल्दी बताइए किसी को यहां तक कोई तकलीफ जो हमने कल डिस्कशन किया था जल्दी अध्याय अन्य आशी एक तो पता नहीं हर पेरेंट को अपने बच्चे को आगे ही बैठाना था ए नाम के इतने बच्चे मिलते हैं मतलब टोटल में ला के जितने ही बच्चे उसमें कम से कम दस से बारह बच्चे ए नाम के हैं मतलब बड़ी संख्या में ए नाम के बच्चे बहुत सारे तो और वी नाम के सिर्फ दो बच्चे है ना तो पीछे बिठाना ही नहीं था माँ बाप सब को सबको आगे ही था। में भी पहला आना चाहिए क्लास में भी पहला होना चाहिए भले रिजल्ट में पहला उसकी कोई चिंता नहीं वो नहीं आया तो भी चलेगा लेकिन हाँ क्लास में सबसे आगे बैठा हुआ होना चाहिए बच्चा हमारा ठीक है चले तो अभी क्लासेस में होता है क्या अभी आप जैसे स्कूल्स में अभी अभी थोड़े टाइम पहले आपने छोड़ा है तो आप मुझे बताओ स्कूल में अभी भी एक के सीक्वेंस में बैठते हैं क्या बच्चे रोल नंबर में एग्जाम में स्कूल में सीबीएसई में थोड़ी होता है ऐसा बोर्ड्स में होता है क्या बोर्ड्स में मतलब रोल नंबर ए से चालू होते हैं क्या रोल नंबर ए से नहीं चालू होते बोर्ड्स में तो कम से कम होता है स्कूल में वो लोग बेसिक सिस्टम होगा तो ठीक है कर देते होंगे कि चल ए तेरा तेरा वन तेरा टू तेरा थ्री है ना लेकिन बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है बोर्ड्स में तो आपके फॉर्म जाते हैं उसके हिसाब से रोल नंबर अलोकेट होते हैं वो भी रैंडम अलोकेशन होता है तो वो फायदा एक्चुअली कुछ मिलता नहीं है जबरदस्ती ए नाम जो है जरूर आगे लग जाता है आपके कोई बात नहीं चलेगा अब आते हैं मुद्दे में और आ, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लॉस को लेके सुनना ध्यान से देखो कॉस्ट में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं टोटल 12 चैप्टर्स हैं 12 चैप्टर्स हैं मतलब करने के लिए सॉल्व करने के लिए पूरा 12 बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं मतलब अच्छा खासा सिलेबस है कॉस्ट का 100 नंबर का सब्जेक्ट भी है ठीक है पर बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है उस 12 चैप्टर्स के लॉजिक्स को जाने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक आपको मालूम होना चाहिए समझो क्योंकि आपके लिए तो कॉस्ट का एबीसीडी चल रहा है और वाई एबीसीडी क्योंकि आप लोगों ने इसके पहले कभी कॉस्ट अकाउंटिंग करके कोई सब्जेक्ट कॉस्ट पता है क्या होता है लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है कॉस्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स होते हैं कभी नहीं पढ़े अकाउंट्स पढ़ा है आप लोगों ने आपको पता है शेयर कैपिटल क्या होता है ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या क्या होता है डिबेंचर्स डिबेंचर डिवेंचर क्या होता है लेकिन आपको कॉस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है सो so बेसिकली आपका एक बेसिक uh, अल्फाबेट्स की क्लास चल रही है जैसे इंग्लिश में होता है एबीसीडी सीख रहे हैं हम लोग कॉस्ट की ठीक है तो आपको दो चार पांच दिन तक मैं अभी बेसिक 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 ही पढ़ाऊंगा मैं आपको यही बताऊंगा अच्छा ये कॉस्ट होती है ऐसे ऐसे निकालते हैं फिर जाके हमारा कोई चैप्टर जो है वो चालू होने वाला है तो हम लोग जो है ना बेसिक में सबसे पहले कहां से स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट की वेराइटी समझेंगे हम

सेमी वेरिएबल कॉस्ट नाम तो सुना ही होगा कहा नाम सुना था 11, ट्वेल्थ में इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में भी सुना था तीन तरह के कॉस्ट होती है एक का नाम होता है वेरिएबल कॉस्ट एक का नाम होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक का नाम होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट यस yes.

और इज्जत इतनी भी मत दो ठीक है ओके okay. तो अब आते हैं मुद्दे पे जल्दी बताइए निकिता मैम व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट विच आर नॉट फिक्स वाओ ये तो बहुत ही जोरदार आंसर दिया जो फिक्स नहीं है वेरिएबल है तो चलो फिक्स क्या है जो वेरिएबल नहीं है वेरिएबल <laughs> क्या है वो बताओ ना फिक्स क्या नहीं है वो मत बताओ क्या है वो बताओ रॉ मटेरियल है इट्स एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ओके वेरी गुड वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल होता है मटेरियल क्यों भैया वो वेरिएबल क्यों है प्राइस ऊपर नीचे होती है इसलिए वेरिएबल है नो 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी सर नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ फ्लक्चुएट होता है मतलब जो कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ फ्लक्चुएट होती है उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट मतलब मैं बोल सकता हूं जिस कॉस्ट का कॉस्ट बढ़ेगी अगर क्या बढ़ेगा क्वांटिटी बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ेगा यूनिट्स बढ़ेगी तो अपने आप कॉस्ट भी बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी वो कौन सी कॉस्ट हो जाती है वेरिएबल और फिक्स का नेचर क्या होता है फिक्स जी मैम फिक्स क्या होता है ओके मतलब आ, किसके वॉल्यूम के चेंज होने से वो कॉस्ट चेंज नहीं होगी मतलब ऐसी कॉस्ट विच चेंजेस विथ दी लेवल ऑफ आउटपुट अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा अरे एक आदमी घर में खाना खाने आया तो एक के हिसाब से सब्जी बनेगी दो आया तो दो के हिसाब से तो क्या पनीर सेम डलेगा क्या अलग अलग डलेगा अगर एक आदमी की सब्जी में पचास ग्राम पनीर डलेगा तो दो आदमी की सब्जी में सौ ग्राम डलेगा तो तीन आदमी की सब्जी डेढ़ सौ ग्राम और चार आदमी की सब्जी में दो ग्राम और पूरा गांव जिमने आ गया तो पूरा बल्क में डलेगा तो बताओ ये पनीर की कॉस्ट आपके, तो आपके लिए क्या हो गई वेरिएबल 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 हो गई क्योंकि आपको पता है जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी जितने ज्यादा लोग होंगे जितना ज्यादा आउटपुट होगा जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा आपकी कॉस्ट भी उतनी ज्यादा लगेगी तो इसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट अब पंखा चल रहा है सब एक आदमी बैठे नीचे या चार आदमी बैठे पंखे को ज्यादा मेहनत लगेगी चार आदमी बैठेंगे तो अल्टीमेटली घूमेगा तो उसी स्पीड से और चलेगा उसी से और भी उसी स्पीड से और हवा भी उसी स्पीड से फेंकेगा तो बताओ पंखे चलने की कॉस्ट से क्या फर्क पड़ता है कि एक आदमी खाना खाने बैठा है नीचे की चार आदमी खाना खाने बैठे कि आठ लोग खाना खाने बैठे ये कॉस्ट आपकी वेरिएबल होगी कि फिक्स हो गई फिक्स हो गई मतलब जिस कॉस्ट का वॉल्यूम के साथ बढ़ती चली जाए लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से इंक्रीज होती जाए वो हो जाएगी वेरिएबल और जो लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से चेंज ना हो सेम रहे वो क्या हो जाएगी फिक्स्ड ठीक है बहुत बढ़िया जी चलो मेरा एक स्टेटमेंट सुनना और बताना कि ये स्टेटमेंट फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ चलूंगा मैं ठीक है सुनना जो कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे फिलिंग द ब्लैंक्स इज जो कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे इस फिक्स कॉस्ट और जो कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो वो वेरिएबल कॉस्ट आया कि नहीं आया समझ में बिल्कुल गलत आया बिल्कुल गलत आया आपने मेरी लाइन ही नहीं सुनी मैंने क्या बोला जो कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे वो फिक्स्ड और जो कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो वो वेरिएबल अब सही बोला ना यही तो बोला था गलत है वापस सुन लो जो कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे वो वेरिएबल कैसे होगा सेम रहे तो फिक्स्ड होगा ना ही अच्छा एक चीज हमने कहीं पढ़ा था अब मजा आएगा मेरे को क्योंकि मैंने कर दिया आपको जबरदस्त कंफ्यूज क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या रहा है अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली मैंने जो लास्ट स्टेटमेंट बोला था वो गलत था जो कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे वो वेरिएबल होती है अरे सर अभी तो बोल रहे थे आप सेम रहे तो फिक्स मैंने बोला था जो प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ चेंज हो इन टोटल वो वेरिएबल है लेकिन पर यूनिट जाएंगे ना तो इसका एक्चुअली पूरा का पूरा नेचर बिहेवियर उल्टा हो जाएगा सर नहीं आ रहा समझ में आप क्या बोलना चाह रहे हो जीवन में हम बढ़िया आए थे सुबह सुबह ये सोच के कि कुछ ढंग के पड़ के जाएंगे आप तो मजे ले रहे हो हमारे मैं एक्चुअली अब आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं क्योंकि क्या अर्ध बहुत नुकसानदायक होता है और वो अर्ध ज्ञान लेकर आए आप लोग। आपको तो सब देते हैं लेकिन बता नहीं रही है नाराज क्यों है ठीक है आप वो बोलते मैं क्यों बताऊ तुम जानो ठीक है तो भैया आप हम कैसे जा रहे हैं तुम जब तक बताओगे नहीं तो पॉइंट ये साहब कि हमको तो दिया था अवेरेबल फिक्सरबल होता है पर एग्जैक्ट उसका क्या नेचर है क्या बिहेवियर है वो

एक कार को चलाने में एक तो लगता है सब पेट्रोल या डीजल फ्यूल एक कार में लगता है इंश्योरेंस वो गाड़ी कहीं ठोक वोक देते तो, हैं उसके लिए वो इंश्योरेंस कराना कंपलसरी होता है पुलिस वाले को दिखाना पड़ता है कि इंश्योरेंस करावा नहीं तो वो गाड़ी जब्त कर लेगा चालान बना देगा तो इंश्योरेंस करना पड़ता है बिकॉज गाड़ी चोरी हो जाए उसके लिए और फॉर द फॉर रनिंग द कार यूनिट पेट्रोल आपके सामान्य ज्ञान से आप मुझे बताइए सामान्य ज्ञान नॉट कॉस्टिंग का ज्ञान पेट्रोल वेरिएबल कॉस्ट है कि फिक्स कॉस्ट है लड़के चाहते हैं काश है fixed होती, तो मैं कितनी गाड़ी घुमा लेता लेकिन ये क्या है वेरिएबल है जितनी ज्यादा गाड़ी घुमाओगे पेट्रोल की कॉस्ट उतनी ही ज्यादा लगेगी इंश्योरेंस फिक्स कॉस्ट है सामान्य ज्ञान के हिसाब से क्योंकि इंश्योरेंस वाले थोड़ी पूछते हैं आपने गाड़ी कितने किलोमीटर चलाई उनको तो इससे मतलब अच्छा एक साल का इंश्योरेंस हुआ अब एक साल में आप कितनी भी गाड़ी चलाओ हमको उससे फर्क नहीं पड़ता तो एक सामान्य ज्ञान बोलता है कि फिक्स कॉस्ट है ठीक अभी मुझे कॉस्टिंग की टेक्निकल भाषा में नहीं जाना पर सर जो हमें अभी तक का सामान्य ज्ञान है वो ये है कि पेट्रोल ज्यादा लगता है लगता लगता रहता तो है तो फेरिबल है और फिक्स इंश्योरेंस फिक्स रहता है तो फिक्स है अब अपन देखते हैं है कितना मान लेते हैं पेट्रोल एक मिनट के लिए मान लेते हैं सौ रुपए लीटर है एग्जाम्पल के फॉर्म में और गाड़ी का माइलेज है बीस किलोमीटर पर लीटर और इंश्योरेंस साल का लग जाता है दस हजार का ठीक है तो हमारे पास सौ रुपए पर लीटर का पेट्रोल है और बीस किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है गाड़ी और दस हजार रुपए साल का इंश्योरेंस लग जाता है ठीक है अब अगर अपन इसको देखे तो सबसे पहले मुझे आप बताओ अगर मान लो एक साल में मैं दस किलोमीटर ही गाड़ी चलाऊं पूरे साल भर में दस किलोमीटर सिर्फ तो मी मेरी नहीं एक काम करते दस की जगह इसको कर लेते हैं सौ किलोमीटर गाड़ी चलाऊ सौ किलोमीटर तो मी मेरी पेट्रोल कॉस्ट कितनी आएगी पेट्रोल कॉस्ट कितनी आएगी अच्छा अगर गाड़ी बीस किलोमीटर का माइलेज दे रही है एक लीटर में तो पांच लीटर लगेगा अरे बीस किलोमीटर के हिसाब से सौ किलोमीटर चलने में कितने किलोमीटर लगे पांच लीटर और एक लीटर सौ रुपए का है तो कितने रुपए की पेट्रोल कॉस्ट हो गई पांच सौ यस 500 का तो सबको समझ में आ गया ना 20 किलोमीटर पर लीटर 100 में 20 आता है पांच बार मतलब कितनी बार पेट्रोल भराना पड़ेगा एक एक लीटर बनाएंगे तो पांच बार एक बार का पेट्रोल सौ का तो पांच बार का पेट्रोल पांच सौ का मैडम को पांच सौ समझ में नहीं आया अभी आ गया पक्का जी ठीक है आगे देखते अगर मैं हजार किलोमीटर गाड़ी चलाऊ थाउजेंड तो बताओ मेरी पेट्रोल कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर थाउजेंड में बीस बीस करके पांच बार इंटू दस पचास लीटर भराना पड़ेगा और एक लीटर सौ रुपए का है तो ये कितनी हो जाएगी पांच हजार।, पांच हजार अगर मैं दस हजार किलोमीटर गाड़ी चलाऊं तो मुझे पेट्रोल कॉस्ट पचास बहुत ही बढ़िया कितनी लगेगी पचास हजार की एक मिनट के लिए पर इंश्योरेंस की बात भी कर लेते हैं चलो अगर मैं सौ किलोमीटर गाड़ी चलाऊं तो एक साल में सौ ही चलाऊं तो बताओ इंश्योरेंस कितना अच्छा दस हजार ही लगेगा जी हाँ अगर मैं एक हजार चलाऊ तो दस हजार ही लगेगा और दस हजार चलाऊ तो भी इंश्योरेंस वाले कभी आपसे पूछेंगे भी नहीं आपने गाड़ी कितनी चलाई है वो बोलते हैं हम साल का लेते हैं एक साल तक आपकी गाड़ी इंश्योर रहेगी अब आप उसको गाड़ी में गाड़ी को घर में खड़ा रखो या खूब चलाओ इट डजेंट मैटर आपको इतना ही इंश्योरेंस कॉस्ट देना है यस सर नो ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया बहुत बढ़िया अब सवाल क्या आता है यहां पे वो सुनने वाला एक बात है यही तो हम बोल रहे थे सर कि पेट्रोल वेरिएबल होता है और इंश्योरेंस फिक्स होता है सही तो बोला जो कॉस्ट वॉल्यूम के बढ़ने से बढ़ रही है वो होती है वेरिएबल और जो कॉस्ट वॉल्यूम के बढ़ने से नहीं बढ़ रही है वो होती है फिक्स तो अगर देखो पेट्रोल कॉस्ट वेरिएबल ही तो है सर बिल्कुल सही बोले थे आप मैंने कहा बोला आप गलत बोले थे लेकिन मैं इसको अब पर किलोमीटर लाता हूं तो आप गलत हो जाओगे अब देखो पेट्रोल कॉस्ट पर किलोमीटर पांच सौ रुपए सौ रुपए पे तो कितने रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट आ रही है पांच अच्छा सर अच्छा क्वांटिटी बढ़ गई कॉस्ट बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी पांच एडवाइड पर हजार करना बढ़ जाएगी इनकी बढ़ बढ़ी पांच और अगर पचास पर दस हजार करेंगे तो पांच अरे मैं एक किलोमीटर गाड़ी चलाऊ या सौ किलोमीटर गाड़ी चलाऊ पर किलोमीटर कॉस्ट तो मुझे पांच रुपए यानी ना तो मैं ये लाइन बोल रहा था कि जो कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है आप बोल रहे थे वो फिक्स होती है जी नहीं जो पर यूनिट सेम होती है वो फिक्स नहीं वो वेरिएबल होती है आप देख लो स्क्रीन पे मेरे सामने मैं कुछ अलग नहीं कैलकुलेशन कर रहा हूं ऐसा नहीं कि कुछ खेल, खतरनाक मैंने साइन थीटा कॉस्ट थीटा लगा दिया बेसिक कैलकुलेशन एकदम किसी दसवीं के बच्चे को भी समझाया जाए तो ये बात उसको समझ में आ जाएगी कि ऑफकोर्स मैं एक किलोमीटर गर्लफ्रेंड के घर के आसपास गाड़ी चलाऊंगा तो पांच लगेंगे दो चक्कर काटूंगा तो दस लगेंगे और तीन चक्कर काटूंगा तो पंद्रह लगेंगे तो पर चक्कर तो पांच ही लगा ना एक चक्कर का तो पांच ही हुआ ना जितने चक्कर होंगे उतने पड़ते जाएंगे लेकिन डिवाइड करने का तो पर राउंड निकालो तो, तो पांच ही आएगा ना अरे एप्पल खरीदने क्या एक एप्पल कितने का बोले भैया पांच का दो दस के तीन पंद्रह के चार बीस के अच्छा मैं अगर चार एप्पल खरीदू बीस के तो एक एप्पल कितने का पड़ेगा पांच के अच्छा तीन खरीदू पंद्रह के तो भी पांच का और दो खरीदू दस के तो भी एक एप्पल तो पांच का ही पड़ेगा ना तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो क्या हो गई सेम हो गई ना सेम हो गई ना मतलब जो अब फिक्स कॉस्ट के साथ भी पहले एक बार देख लेते हैं दस हजार को सौ से डिवाइड करूं तो एक किलोमीटर पे आएगी सौ रुपए की कॉस्ट अगर दस हजार को हजार से डिवाइड करूं तो एक किलोमीटर पे आएगी दस रुपए की कॉस्ट और दस हजार को दस हजार से डिवाइड करूं तो एक किलोमीटर पे आएगी एक रुपए की कॉस्ट अब मुझे एक चीज बताओ यहां पे मेरी कॉस्ट जो फिक्स थी वो तो देखो नंबर ऑफ किलोमीटर के हिसाब से चेंज हो गई क्योंकि क्या हुआ ऊपर सेम है लेकिन नीचे वजन उठाने वाली यूनिट बढ़ गई पहले सौ से डिवाइड हो रहा था अब कितने डिवाइड हो रहा है हजार से तो पर बर्डन फैल गया ना वजन पहले सौ पे था वो वजन कितने चला गया सेम वजन में सौ में डालू से तो पर कम, कम, कम हो जाएगा ना अगर नंबर ऑफ पर्सन नीचे बढ़ रहे हैं वेट उठाने वाले और वजन ऊपर सेम है तो नीचे पर पर्सन वजन कम होता चला जाएगा ना आप देख सकते हो आपके सामने मतलब इससे एक चीज समझ में आती है कि आप को जो वेरिएबल और फिक्स पता है और जो हम बोलते हैं अच्छा ये कॉस्ट वेरिएबल है कॉस्ट फिक्स है वो पता है हम इन टोटल देख के बोलते अगर हम इसको पर यूनिट से देखना चालू कर ना तो ये उल्टी हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल वेरिएबल होती है पर यूनिट फिक्स्ड होती है फिक्स कॉस्ट इन टोटल फिक्स्ड होती है पर यूनिट वेरिएबल होती है मैं जो लाइन बोल रहा हूँ एक बार आपसे रिपीट करेंगे मैंने क्या लाइन बोली एक बार बताएंगे क्या लाइन बोली वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल वेरिएबल होती है पर पर यूनिट फिक्स्ड होती है फिक्स कॉस्ट इन टोटल फिक्स्ड होती है पर पर यूनिट वेरिएबल होती है ये लाइन पहले लिखो आप एग्जांपल लिखने के बाद एग्जांपल लिखो और एग्जांपल लिख के ये लाइन जरूर लिखना Then, वो लाइन भी लिख ली आप लोगों ने जो मैंने लिखवाई क्या लिखी लाइन वापस बनाएंगे वेरिएबल 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 कॉस्ट कॉस्ट इन इन टोटल टोटल होती 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 है होती, होती है 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 पर पर नेट नेट फिक्स 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 और एक चीज से समझ में आ रही है इसका नेचर इंसानों की तरह नहीं हो गया इंसानों की फितरत भी ऐसी होती है ना दुनिया के सामने कुछ और और अकेले में कुछ और आप देखो वेरिएबल कॉस्ट का नेचर भी ऐसे दुनिया के सामने जो उसका नाम है वो भी वो दिखा रहा है मैं वेरिएबल हूं मैं वेरिएबल हूं मैं वेरिएबल हूं लेकिन अकेले आके वो क्या हो गया फिक्स हो गया दुनिया के सामने खुशी अकेले में गम उल्टा भी होता है दुनिया के सामने गम अकेले में आजकल तो उनकी मेजोरिटी ज्यादा हो गई जो अकेले में खुश रहते हैं दुनिया के सामने दुखी दुख दिखते हैं उनको तो पॉइंट ये कि साहब इस कॉस्ट का नेचर भी इंसानों की फितरत की तरह हो गया है दिखाने के लिए कुछ और है और असल में कुछ और है या अकेले में कुछ और है असल की जगह आप बोलेंगे हम अकेले में कुछ और है दुनिया के सामने वेरिएबल इन टोटल वेरिएबल पर फिक्स इन टोटल फिक्स तो वेरिएबल पहले बताओ वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का नेचर आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया लॉजिक क्लियर है क्यों ऐसा हो रहा है अब पहचान पाएंगे कैसे कि भी किसी भी कॉस्ट को देख के कि वेरिएबल है कि फिक्स्ड है अगर कोई कॉस्ट पर यूनिट सेम दिख रही है दो लेवल ऑफ यूनिट पे तो मान के चलना वो वेरिएबल है और जो कॉस्ट इन टोटल सेम दिख रही है मान के चलना वो फिक्स्ड है तो चलो एक काम करते हैं एक एग्जांपल से इसका कैलकुलेशन समझ लेते हैं पहले आपने लिख तो लिया कि एग्जैक्टली exactly क्या नेचर होता है बहुत बढ़िया एग्जाम में कभी भी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे तो हमको थ्री इडियट जैसे मशीन की डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल समझना है तो एग्जाम एक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका नेचर क्या होता है हमें वो एग्जाम में नहीं पूछेंगे टेल मी व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हाट इज फिक्स कॉस्ट जी नहीं तो वो किताबी ज्ञान से ऊपर आ जाइए अब हमको ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए कि ताकि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर पाए तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से और देखते हैं कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया लिखिए एग्जाम्पल आपको सबसे पहले दे रखा है ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट पर ट्वेंटी थाउजेंड यूनिट्स है हमारी इस पर मटेरियल है फोर लाख रुपीस का वेजेस है वन लाख रुपीस की और रेंट लग रहा है टू लाख रुपीस का ऐसे करके एक मिनट के लिए मान लेते हैं हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है सेवन लाख रुपीस पच्चीस हजार यूनिट्स पे मटेरियल कॉस्ट पांच लाख है वेजेस एक लाख पच्चीस हजार है एक मिनट सही है और रेंट दो लाख रुपए है Like थाउजेंड ठीक है अब आपको बोला है फोर्टी थाउजेंड यूनिट की ये कॉस्ट स्टेटमेंट सेम आपको तैयार करके कॉस्ट निकालनी है मतलब इस तरह का क्वेश्चन बहुत फेवरेट है कॉस्ट के अंदर कहीं भी आ जाता है दो यूनिट्स का डाटा देते हैं और आपसे किसी तीसरे का पूछ लेते अब आपको इसके लिए वो दे देखना पड़ेगा कि इनका बिहेवियर क्या है जब भी दो यूनिट्स का डेटा दिया जाओ समझ लो बिहेवियर एनालिसिस पूछ रहे हो आपसे कि बिहेवियर चेक करो कि कौन सा क्या बिहेवियर और उसके हिसाब से उसका फिर आप कैलकुलेशन करो तो बिहेवियर हमारे पास तीन हो सकते हैं वेरिएबल सही वेरिएबल और फिक्स अभी सही वेरिएबल तुमने पढ़ा नहीं है उसको छोड़ देते हैं दो ही बिहेवियर बचे वेरिएबल और फिक्स तो पहले तो इन तीनों में से ये सॉर्ट करो कि कौन कौन सी आपकी कॉस्ट वेरिएबल लग रही है और कौन कौन सी कॉस्ट आपको फिक्स लग रही है आराम से बोलने की जरूरत नहीं है पहले सॉल्व करो फिर मैं आपसे आंसर पूछू तब बताना और पूरा कैलकुलेशन करके रखोगी चालीस हजार के लिए कॉस्ट कितनी कितनी आएगी हो जाइए चालू साहब पहले बताओ मटेरियल वेजेस रेंट में से क्या क्या आपको वेरिएबल लग रहा है क्या क्या आपको फिक्स लग रहा है मटेरियल और वेजेस आई थिंक वेरिएबल है और आपका रेंट है। सर कैसे है? सर वापस बता दो एक देखो बहुत सिंपल है टेस्ट करने का एक सिंपल तरीका है आप दोनों को पर यूनिट ले आओ अगर, तो अगर मैं इधर पांच लाख को पच्चीस हजार से डिवाइड करूं तो भी मतलब चीज हो गया कि दोनों जगह पर यूनिट कॉस्ट बीस रुपए ही है तो पहली बात तो कौन सी कॉस्ट हो गई वेरिएबल और जब ये वेरिएबल हो गई तो एक चीज और समझ में आ गई कि अगर दोनों जगह पर है मतलब ये बात क्लियर हो गई कि चालीस हजार पर भी कितनी रहेगी बीस ही रहेगी मतलब इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी आठ लाख पहले तो बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई अगर मैं बोल रहा हूं कि जो कॉस्ट पर यूनिट सेम रहे उसको हमें वेरिएबल मानना है तो आप एक चीज नोटिस करो कि चार लाख को डिवाइड बाय बीस हजार कर रहा हूं तो एक यूनिट पे आ रही है 20 और अगर मैं पांच लाख को डिवाइड बाय पच्चीस हजार कर रहा हूं तो भी एक यूनिट पे आ रही है बीस रुपए मतलब यूनिट बढ़ने से पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं हुई बीस हजार से पांच हजार पच्चीस हजार हो गया तो भी एक यूनिट पे भी भी है भी भी है इसका मतलब पे भी पर यूनिट कॉस्ट चेंज नहीं होगी अरे जब पांच हजार बढ़ने पर नहीं हुई तो आगे क्यों होगी तो पर यूनिट कॉस्ट सेम रहेगी और जब पर यूनिट कॉस्ट सेम रहेगी मतलब ये क्या हो जाएगी वेरिएबल और चालीस हजार इंटू बीस अगर पर यूनिट रखूंगा तो मेरी कॉस्ट कितनी आ जाएगी आठ लाख रुपए की ये तो क्लियर हो गया वेरिएबल है सेम अप्लाई करते हैं हम वेजेस के लिए एक लाख डिवाइड बाय करें तो कितना आ रहा है पांच रुपए और वन ट्वेंटी करें तो भी कितना आ रहा है पांच रुपए इसका मतलब एक चीज क्लियर होगी ये भी वेरिएबल और ये कितने है पर इनिट पांच रुपये तो अब भले मैं चालीस हजार भी जाऊं तो भी एक मिनट का तो पांच ही लगेगा ना सर तो चालीस हजार इंटू पांच कर देंगे अगर हम तो ये हो जाएगा दो लाख और फाइनली हमारे पास आता है रेंट आप मुझे बताओ रेंट तो क्लियरली सामने ही दिख रहा है कि क्या है फिक्स्ड है क्योंकि पर तक तो जाने की जरूरत ही नहीं ना अरे जब इन टोटल में ही सेम है इसका मतलब ये इस क्या हो गया फिक्स्ड हो गया हमने क्या पढ़ा था जो कॉस्ट इन टोटल में सेम रहे तो क्या हो जाती है फिक्स तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट नेचर फिक्स का हो गया तो अगर ये बीस हजार पे भी दो लाख है और पच्चीस हजार पे भी दो लाख है इसका मतलब चालीस हजार पे भी दो लाख ही इन टोटल रहेगी और यहां से हमारी ओवरऑल कॉस्ट निकल के आ जाएगी बारह लाख रुपए की सो आर आंसर इज ट्वेल्व लाख रुपीस बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई अभय स्वाति स्वास्थ्य आशी भव्य समझ में आया ऑनलाइन सबको तो कितना आसान कॉन्सेप्ट है अब इस कॉन्सेप्ट को क्यों पता नहीं 11, में ही क्यों नहीं शांति से बता दिया गया यही क्यों बताया कि अच्छा भैया अच्छा, करना है बेटा और ये होता है नेचर ये पेट्रोल ही एग्जाम्पल ले तो कितना आसानी से बात समझ में आ जाती कि जो कॉस्ट इन टोटल सेम होती है और पर यूनिट फिक्स होती है वो वेरिएबल होती है जो कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है और इन टोटल फिक्स होती है फिक्स होती है और अब आएगी सबसे मजेदार बात क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं सेमी वेरिएबल के बारे में सर ये सेमी वेरिएबल का नेचर क्या होता है ये भी समझा दो आप हमको चलो अपन इसका एग्जाम्पल लेके इसका भी नेचर समझ लेते हैं सुनना सब लोग ध्यान से दस हजार यूनिट पे मेरी टोटल कॉस्ट बीस हजार रुपए लग रही है सोलह हजार यूनिट पे मेरी टोटल कॉस्ट छब्बीस हजार रुपए लग रही है तो 22500 हजार पांच सौ यूनिट पे मेरी कॉस्ट कितनी होगी ओके पहली बात तो क्लियर हो गया क्या कि सर इस कॉस्ट के नेचर में एक प्रॉब्लम है अगर मैं इसको पर यूनिट निकालने जा रहा हूं तो यहां आ रहा है दो रुपए लेकिन यहां आ रहा है छब्बीस हजार डिवाइड पर सोलह हजार करना कितना आ रहा है यार एक प्रॉब्लम है इस कॉस्ट के नेचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है ये पर यूनिट भी बदल रहा है और ये इन टोटल भी बदल रहा है ये कॉस्ट इन टोटल भी बदल रही है और ये कॉस्ट पर यूनिट भी बदल रही है इससे एक बात समझ में आती है कि इसको हम वेरिएबल भी नहीं मान सकते और फिक्स भी नहीं मान सकते क्योंकि फिक्स क्या बोलता है टोटल सेम होनी चाहिए और वेरिएबल क्या बोलता है कि पर यूनिट यूनिट सेम 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 होना चाहिए अब ना ये पर सेम है, ना ये ये पर है है इन टोटल सेम है। मैं इसको बोलता हूं ये दोगली कॉस्ट हो गई इसका दोगलापन क्या है कहीं भी सेम नहीं है कहीं कुछ और बोलती है कहीं कुछ और बोलती है कहीं कुछ और बोलती कहीं कुछ और बोलती कहीं पे एक बात तो कटिकती नहीं है तो इसको ऐसे ही मजाक मजाक मतलब के मतलब ऐसे फनी एग्जाम्पल के फॉर्मूल दोगलापन है क्या दोगलापन है ना ये नेचर वेरिएबल का है ना ये फिक्स का है अब ये क्यों हो रहा है इसके पीछे का पहले लॉजिक समझते कि ऐसा हो क्यों हो रहा है एक्चुअली इसके पीछे का रीजन ये है कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती ना वो वेरिएबल और फिक्स दोनों से मिलकर बनी होती है मतलब इसमें कुछ कंपोनेंट वेरिएबल होता है और इसका कुछ कंपोनेंट फिक्स्ड होता है इसलिए वो किसी एक नेचर पर टिकी नहीं पाती है यार मुझे बताओ अगर ये पूरी तरह से वेरिएबल वेरिएबल होती 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 तो ये होती। ये होती, तो ये ये के के नेचर नेचर की की अगर ये कॉज दोनों चीजों से मिलके बनी है इसका मतलब इसका नेचर आप डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ पार्ट वेरिएबल है कुछ पार्ट फिक्स है तो एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा तो ऑफकोर्स दोगलापन तो होना ही है हर जगह बदलनी है क्योंकि दोनों का चलने का तरीका ये अलग है वेरिएबल अलग तरीके से चलती है और फिक्स अलग तरीके से चलती तो आपको कॉन्स्टेंट रिजल्ट मिलेगा ही नहीं हर बार कुछ अलग मिलेगा तो इस केस में फिर करें क्या सिंपल तरीका है जब भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाए आपको इस जोड़े को ही तोड़ना पड़ेगा क्योंकि जब तक दोनों को अलग अलग नहीं किया आप नेचर कैसे डिफाइन करोगे मतलब इस टोटल कॉस्ट में कोर्स कुछ कंपोनेंट वेरिएबल का है कुछ कंपोनेंट फिक्स का है तो भैया इसमें जब तक आप संधि विच्छेद नहीं कर देते इसमें कितना कंपोनेंट वेरिएबल का और कितना कंपोनेंट तब तक आप इसको किसी और यूनिट पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब अल्टीमेटली इस बने बनाए जोड़े को क्या करना पड़ेगा आपको तोड़ना पड़ेगा ताकि नई जोड़ी बनाई जा सके नई जोड़ी होता है ना यह हसरा है क्यों हसरा है क्योंकि इसको पता है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इसको पता है कि भैया अगर किसी और से पट गई है तो उसको पटाने का एक ही तरीका है कि पहले उसको तोड़ना पड़ेगा तब जाके अपना जोड़ पाएंगे तो इसलिए यहां पे भी यही करना पड़ेगा सेमी वेरिएबल को पहले क्या करना पड़ेगा आपको तोड़ना पड़ेगा तब जाके किसी और यूनिट पे जाके उसको जोड़ पाएंगे और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेग्रीगेट करना पड़ेगा विच्छेद करना पड़ेगा इसका विच्छेद क्यों क्योंकि दोनों मिलके बनी है तो इसको बिना हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते और करने के लिए आपको ध्यान रखना है किस तरीके से इसका सेग्रीगेशन होगा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं हर चैप्टर में ये कैलकुलेशन आता है कि यार वेरिएबल कॉस्ट को कैसे तोड़ा जाए बहुत जा, सारे चैप्टर्स हम आगे जाके पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा उसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग आएगा उसके अलावा सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग आएगा सब जगह इसके क्वेश्चन है पे वो लोग दे देंगे और आपको बोलेंगे चलो अभी इस पर्टिकुलर यूनिट के लिए निकालो सो वी नीड टू बी वेरी श्योर कि कैसे अपने को इसको करना है और इसके लिए सुनना हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे बहुत इजी तरीका है लॉजिक भी बहुत क्लियर है सुनना ध्यान से 6000 यूनिट के बढ़ने से कॉस्ट छे हजार रुपए बढ़ गई आया ना छ हजार यूनिट के बढ़ने से कॉस्ट छह हजार रुपए बढ़ गई आप मुझे बता जो बढ़ी हुई बढ़ी हुई होगी कॉस्ट वो कौन सी होगी फिक्स वाली है वेरिएबल वाली है टोटल में चल रहे हैं पर यूनिट नहीं चल रही टोटल में बताना आप मुझे हम टोटल की बात करें क्योंकि टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट कर रहे हैं हमारी छह हजार यूनिट बढ़ने से छह हजार की कॉस्ट बढ़ गई आप मुझे बता जो बड़ा होगा कौन सा पार्ट बता बड़ा होगा बेरी वाली बढ़ा होगा फिक्स तो बोलता है मैं उतनी की उतनी रहूंगी चाहे तो छह हजार बना या दस बना कि सोलह बना मैं चेंज होंगी कि नहीं होंगी तो मुझे बताओ जो कॉस्ट बढ़ी हुई होगी कौन सी वाली होगी और आप मुझे बताओ कितनी बढ़ी हुई है छह हजार छह हजार की बढ़ी हुई कितनी यूनिट के लिए छह हजार के लिए मतलब एक यूनिट पे एक से कॉस्ट बढ़ रही है नहीं आ रही बात समझ में मतलब यहां पे अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला बन रहा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकालने का किसको निकालने का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकालने का और पता इसका है इसका फॉर्मूला कितना सिंपल है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स आ जाएगा वापस कुछ पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है हो जाएगा सही चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स यस ये है हमारा फॉर्मूला वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करने का चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स और कॉस्ट में चेंज आया है 6000 से और यूनिट्स में भी चेंज आया है 6000 से मतलब मेरी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट एक रुपए हो जाएगी एक मिनट मतलब मेरी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट एक रुपए हो जाएगी ये आ गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर सर सिर्फ संधि विच्छेद में वेरिएबल निकला है फिक्स का क्या अभी तो अपने को इसमें फिक्स कॉस्ट ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना कितनी है तो एक चीज ये दोनों से मिलके बनी है तो अगर हमने टोटल में से एक को अलग कर दें तो बची हुई अपने आप कौन सी बच जाएगी दूसरी तो अपन क्या कर सकते हैं किसी भी एक यूनिट के लिए चलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हम दस हजार यूनिट की बात कर लेते हैं टेन थाउजेंड यूनिट के लिए पहले बताओ मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है बीस हजार यस और नो आप मुझे बताओ इसमें वेरिएबल कंपोनेंट कितना होगा सर एक यूनिट का कितना है एक रुपया अब हम कितनी यूनिट की बात कर रहे हैं दस हजार की तो आप मुझे बताओ यहां पे आपका वेरिएबल कंपोनेंट कितना हो जाएगा दस हजार इंटू एक रुपए के हिसाब से दस हजार रुपए का यस और नो तो आप मुझे बताओ जो बचा हुआ पार्ट हुआ वो अपने आप कौन सा हुआ फिक्स कंपोनेंट कितने का दस हजार का सर 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 लेकिन वो तो आपने दस हजार के लिए बोला अगर सोलह हजार पे लगाए तो मैं नहीं बोल रहा हूं आपको दोनों का कैलकुलेशन करने की जरूरत है पर मैं आपको प्रूव कर देता हूं दोनों से यही आंसर आएगा अगर मैं सोलह हजार के लिए कैलकुलेट करूं सोलह हजार के लिए तो आप मुझे बताओ सबसे पहले सोलह हजार टोटल कॉस्ट कितनी थी छब्बीस हजार माइनस वेरिएबल कॉस्ट होगी सोलह हजार इंटू वन मतलब कितने रुपए की सोलह हजार की तो आप मुझे बताओ इससे भी कैलकुलेट करोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट दस हजार ही आएगी मतलब फिक्स तो फिक्स है अब आप दस पे निकालोगे तो भी वही आएगी और सोलह पे निकालोगे तो भी वही आएगी तो जो कंपोनेंट चेंज हो रहा है वो तो सिर्फ वेरिएबल वाला हो रहा है तो अगर मैंने टोटल में से वेरिएबल को माइनस कर दिया तो अपने आप अपने पास जो बचेगा वो कौन सा कंपोनेंट बचेगा फिक्स अब यहां से मुझे दो चीजें निकल के आ गई मेरी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट एक रुपये है प्लस दस हजार रुपये मेरी फिक्स कॉस्ट भी है अब मैं इन दोनों को वापस जोड़ी बना के जोड़ दूंगा पहले मैंने इन दोनों को क्या कर दिया तोड़ दिया अब मैं वापस इन दोनों को जोड़ दूंगा लेकिन किस यूनिट पे जाके जोड़ूंगा कितने का निकालना है ऊपर जाके देखो कितने पे बाविस पांच सौ पे तो मैं पता है क्या बोलूंगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट है बाविस पांच सौ वन और मेरी फिक्स कॉस्ट है दस हजार तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी बत्तीस हजार सौ क्योंकि मेरा वेरिएबल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है तो आप कितने यूनिट पे निकालो एक रुपए पर ही रहेगा और फिक्स कॉस्ट इन टोटल चेंज नहीं होती तो कितने दस हजार ही रहेगी मतलब मेरी टोटल कॉस्ट जाएगी थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर यू गेटिंग माई पॉइंट इसका मतलब अगर मैं यहां पे टोटल कॉस्ट निकालू तो मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी बत्तीस हजार पांच सौ कितनी यूनिट के लिए बाविस हजार पांच सौ यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट इज 32,500. बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था ऑनलाइन अभय ने उसके अलावा आशी ने जानवी ने भव्य ने वैभवी वे ने वेरी गुड एक्चुअली इसको ना कई बच्चों ने यूनिटी मेथड से भी निकाल लिया होगा मैं बताता हूँ कैसे निकाल लिया होगा उन्होंने ऐसे निकाल लिया होगा अच्छा छह हजार के लिए इतनी बड़ी तो इधर कितना बढ़ रहा है सर छह सोलह हजार माइनस बाविस पांच सौ करे तो इधर बढ़ रहा है साढ़े छह हजार तो साढ़े छह हजार के लिए इसको भी साढ़े छह हजार बढ़ा देते वो तरीका ठीक है मतलब गलत नहीं है लेकिन अभी क्या कैलकुलेशन ईजी है इसलिए वो बहुत ईजी लग रहा है मतलब थोड़े पॉइंट्स वॉइंट्स में आ जाता तो सारी गड़बड़ हो जाती इस केस में तो आपको ये तरीका फॉलो करना चाहिए मतलब पहले हम संधि विच्छेद करेंगे में हम सेग्रीगेशन करेंगे और सेग्रीगेशन करने के बाद फिर हम इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन करेंगे ठीक है तो आज एक छोटा सा होमवर्क ले जाइए सेम इसी इसी कैलकुलेशन का ताकि आप लोग घर पे एक बार कैलकुलेट करके आ पाओ तो लिखिए दस हजार यूनिट्स के लिए मेरी टोटल कॉस्ट है ढाई लाख और हजार यूनिट्स के लिए मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है तीन लाख सत्तर हजार रुपए की आपको चौबीस हजार पांच सौ यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी मेरे वाले तरीके से मेरे वाले तरीके से ठीक है दिस इज यर होमवर्क फॉर टूडे मैं शीट अपडेट कर देता हूँ तो कल मैंने याद करो आप लोगों को ई नोट्स की लिंक दी थी उस ई नोट्स पे जाके आपको शीट भी मिल जाएगी ताकि अगर आपका कुछ लिखना रहे भी क्या है तो वहां से इसको लिख सकते हो जो बच्चे ऑनलाइन हैं प्लीज एक बार चैट बॉक्स में मुझे ना वो ई नोट्स की लिंक भेज देना ताकि मैं सारे बच्चों को एक बार वापस भेज दू प्लीज मुझे चैट बॉक्स में एक बार ई नोट्स की लिंक भेज दीजिए मैंने आज के नोट्स भी अपडेट कर दिए हैं यस थैंक यू सुजल फॉर शेयरिंग द लिंक अब क्या है कि जिन बच्चों का आज पहला दिन था और जो आज आए हैं वो लोग ये ई नोट्स के लिंक से आगे सेव कर लीजिएगा